G20 सम्मेलन के तहत गुरुग्राम में आज से दो दिन का स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ शुरू। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले अच्छे स्टार्टअप्स के लिए धन की नहीं है कोई कमी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान संपर्क से समर्थन के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों से किया संवाद। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करनाल जिले के गांव कलामपुरा में किया जनसंवाद कार्यक्रम। कहा, प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष व महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार कर रही है विचार। देश भर में आज श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आज हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह दो दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक पर भारत की हालिया बढ़त का श्रेय काफी हद तक गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को दिया जा सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्लेज अ वाइटल रोल इन नर्चरिंग एक कल्चरली सेंसिटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम। ए स्टडी बाय यूनेस्को हाइलाइटेड दैट ओनली 3% फीमेल स्टूडेंट्स चूज स्टेम रिलेटेड फील्ड्स इन हायर एजुकेशन, स्पेशली इन डिसिप्लिन्स such as in engineering and computer science. This is because they encounter gender bias, stereotypes and lack of our role models. India's recent climb on the Global Innovation Index can be largely attributed to the dynamic startup ecosystem. इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्टअप आंदोलन शुरू किया था। अमिताभ कांत ने कहा कि स्टार्टअप की संख्या 100 से बढ़कर 1,00,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले अच्छे स्टार्टअप के लिए धन की कोई कमी नहीं है। Movement, the startup movement grows and blossoms. Startup innovators start innovating. They do technological collaboration. They are fixated on innovation. In India, we use the mobile phone. Many of us haven't been to a bank, a physical bank, or to an ATM machine, or used a debit or credit card for over 3 to 4 years. And therefore, we use the mobile as a virtual bank. And we do 11x of the payments, fast payments, 11x of what America and Europe do. शिखर सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप 20 विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें G20 नेताओं से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में संयुक्त निवेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का आग्रह किया गया। शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के 600 हितधारक भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में 16 G20 देशों और 6 आमंत्रित देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान संपर्क से समर्थन के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान छात्रों से संवाद किया। NIT के छात्रों के साथ विदेश मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी की दुनिया बहुत वैश्वीकृत है और यह अवसरों और चुनौतियों दोनों के रूप में सामने आ सकती है। विदेश मंत्री ने कहा कि देश का युवा सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व स्तर पर भारत को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिका यात्रा के बारे में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कई प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन यह दौरा अलग था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पहचान है और दुनिया उनकी सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई पहल या निर्णय लेते हैं तो उसका असर वैश्विक राजनीति में परिलक्षित होता है। एस जयशंकर ने कहा कि बीते 9 सालों में हमने दुनिया में कई बड़े बदलाव देखे हैं, जिनकी शुरुआत भारत से की गई है।
उनका स्टैचर, दूसरा उनका आइडियाज, पर तीसरी बात जो है वो बात है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासी उनकी टैलेंट, उनकी ताकत को वो प्रकट करते हैं। और जो आपने वो दृश्य जो देखा वो जो है उसकी क्रेडिट पूरे देश को जाता है, और उसकी क्रेडिट खासकर प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि वो पूरे देश की एक एनर्जी एक किस्म से कैप्चर करके उसको सामने रखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव कलामपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष व महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब एक माह के अंदर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की, साथ ही उन्होंने राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने और काछवा से कलामपुर तक सड़क का अगले 2 महीने में निर्माण करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव कलामपुरा के विकास पर सरकार की ओर से 6,50,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। तेरह में 1,000 थी, हम 2,750 ले आए और अभी इसी अगले 6 महीने में 3,000 पूरी कर देंगे। हमने वादा 3,000 का किया था और लगातार हर साल 200-250 बढ़ा रहे हैं पिछले 10 साल से। 2 महीने में सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है जी सर। प्रसूति मॉडल स्कूल में माफ होती है सिर्फ बीपीएल की, बीपीएल से ऊपर वाले जो होते हैं उनको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, पढ़ाई उसमें अच्छी होती है, सीबीएसई के साथ जुड़ा होता है। बोलो, अगर थोड़ी थोड़ी फीस देने के लिए बच्चों के लिए तैयार हो तो हम सरस्वती मॉडल स्कूल करा देंगे। देंगे देंगे। करा देंगे, देखो ठीक है। चलिए, वो सरस्वती स्कूल जो है ना मॉडल स्कूल बना दिया, डीओ साहब लिख लो इसको। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गांवों में बीएसएनएल के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाएं। आज के समय में 70-80% कार्य ऑनलाइन प्रणाली से किए जाते हैं, इसलिए गांव में इंटरनेट सेवा का होना जरूरी है। शाम को बुलाएंगे बीएसएनएल को और बुलाने के बाद जो जो गाँव बीएसएनएल से नहीं जुड़े हैं पूरे जिले का हिसाब लेकर के, और सबसे पहले करनाल जिले के सब गाँव बीएसएनएल से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के डबरी गांव में भी जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के युवा द्वारा गांव में स्टेडियम न होने की बात पर गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव में पार्क में जिम बनाने तथा एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर ई गवर्नेंस अपनाते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिससे अब लोगों को किसी भी कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जनसंवाद में पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने के बारे में एक युवा ने बताया कि अब नौकरियों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के 2 लड़के सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं, दोनों में से किसी को भी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। कौशल रोजगार के माध्यम से जो गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है जी, ये एक बहुत अच्छी पहल करी आपने जी। इसे गरीब आदमी को जिसकी इनकम 1,80,000 से या 1,00,000 से कम है उसको रोजगार मिलता है जी, उसकी रोजी रोटी चल जाती है 15,000 में। ये काम आपने बहुत अच्छा किया जी। पहले जो सरकारें होती थी वो कच्चे कर्मचारियों को जब नौकरी पर लगाती थी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था, कोई मेरिट नहीं बनती थी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था, कब लगे, किसने लगाए, कैसे लगाया, कुछ नहीं पता चलता था। अब बिल्कुल पारदर्शिता आ चुकी है और इस पर पारदर्शिता के लिए हमारी वर्तमान हरियाणा सरकार बिल्कुल निस्संदेह धन्यवाद की पात्र है हम आम जनता की तरफ से कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल शुरू की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के कार्यों को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, किसी भी कार्य को जल्द से जल्द पूरा हो सके इसके लिए वे हर संभव कोशिश करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 28 कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस भवन के निर्माण में 2,14,00,000 रुपये की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम सुविधाओं से लैस इस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन आज किया गया है, इससे लोगों को अब मैरिज हॉल किराए पर लेने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि
कि बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा की थी, जिस पर तीसरे दिन ही काम शुरू हो गया और ग्राउंड पर टीम काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को घोषणा की, 26 तारीख को ऑर्डर किए और 27 तारीख से पूरी इसकी मेट्रो की टीम फील्ड में आ गई उसका डीपीआर बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से उसकी डीपीआर बनकर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है और ये फिजिबल भी निकलेगी। पहली मेट्रो जो गुड़गांव से फरीदाबाद, देखिए घोषणाएँ होती हैं लेकिन उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है कि फिजिबल है नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव फरीदाबाद की घोषणा की थी लेकिन मेट्रो ने जब उसकी डीपीआर बनाई तो फिजिबल नॉट फिजिबल थी, लेकिन जैसे ही वो फिजिबल होगी तो वो भी होगी। लेकिन जो बल्लभगढ़ से पलवल है वो फिजिबल है और 100% कह सकता हूँ कि बल्लभगढ़ से और पलवल की मेट्रो निश्चित तौर पर बनेगी। प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला के महेश नगर में नवनिर्मित अटल पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने अटल पार्क का मुआयना किया और यहां नागरिकों के लिए लगाए गए ओपन जिम व अन्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। अनिल विज ने पार्क में पौधारोपण भी किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि एक शहर मकानों या सड़कों से नहीं बनता, पार्क भी शहर की आवश्यकता होते हैं। पार्कों में लोग एक साथ आकर बैठते हैं जिससे हमारा सोशल ताना बाना मजबूत होता है। विज ने कहा कि पार्कों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है कि रेजिडेंट सोसाइटीज पार्कों का रखरखाव करना चाहें तो उन्हें कुछ राशि हर माह प्रदान की जा सकती है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि जितने भी पार्क कॉलोनियों में बने हैं वहां के लोग आगे आएं और अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराकर पार्क की देखरेख का दायित्व प्राप्त करें। यह पार्क की जिम्मेवारी जो आप लोगों ने ली है ये सभी लोगों के लिए उदाहरण है, सभी लोगों के लिए। और हम तो हमारी सरकार ने तो योजना भी बनाई है कि अगर रेजिडेंट्स एसोसिएशंस पार्कों को मेंटेन करना चाहें तो उनको पार्क मेंटेन करने के लिए दिए जा सकते हैं और सरकार, मुझे याद नहीं है, कुछ राशि उसको मेंटेन करने के लिए हर माह देती भी है। और जितने भी ये पार्क हैं कॉलोनियों में बने हुए, तो मैं तो सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि वो आगे आए, अपनी संस्था को रजिस्टर करवाएं और नगर पालिका से संपर्क करके उस पार्क की देखरेख का दायित्व अपने जुम्मे लें। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। यह दिवस हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन गुरु की महिमा, शिक्षा की महत्ता और छात्र गुरु संबंध के महत्वपूर्णता को मान्यता देने के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आज सम्मान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैठक की। समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि पैनल ने इस मामले पर हितधारकों से उनकी राय मांगी है। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। यूसीसी में भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। अब खबरें फटाफट।
हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब किया गया है गुरुग्राम सिटी सेंटर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल 11 बजे होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। राजनीतिक पार्टियों पर अब निर्वाचन आयोग के लिए अपने वित्तीय लेखा को ऑनलाइन करा सकेगी दर्ज, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया वेब पोर्टल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर की हो रही है मंत्रिपरिषद की बैठक। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ।